इस क्वेश्चन में ये क्लियर है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स में डिफरेंस हमारा 8 का है. तो सपोज द नंबर ऑफ बॉयज, यू टेक बॉयज एंड गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज सपोज x लिया, देन 8 मोर गर्ल्स देन बॉयज, तो हियर x प्लस 8, राइट. एंड व्हाट वी सी, द नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज्ड बाय 15%. इट मींस दिस विल बिकम 1.15 इनटू एक्स प्लस 8, एंड द नंबर ऑफ बॉयज आल्सो इंक्रीज बाय 20%. दिस मींस इट विल बिकम 1.2x. देन देयर वुड बी 5 मोर गर्ल्स. इट मींस कि 1.15 एक्स प्लस दिस इनटू दिस इज 9.2 माइनस 1.2x, दिस इज इक्विवेलेंट टू 5. एंड फर्दर वी गेट जीरो पॉइंट जीरो फाइव एक्स इक्विवेलेंट टू 4.2, एंड देयर फोर एक्स इज 84 व्हेन वी डिवाइड दिस 4.2 बाय दिस 0.05. ओके, वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इट मींस दिस इज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 8 मोर, 92 गर्ल्स. इफ वी ऐड दिस टू वैल्यूज वी गेट 176. दिस इज द मेथड विथ एज्यूमिंग एक्स एज वन ऑफ द वैल्यू. एंड इन एग्जाम्स वी विल डू लाइक दिस. सपोज द इंक्रीज ऑफ 15% इज इन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बोथ. अगर जैसे हमारे पास है गर्ल्स माइनस बॉय इक्वल टू 8, इफ वी इंक्रीज 15% नंबर ऑफ बॉयज एंड ऑल्सो 15% नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, देन द डिफरेंस विल ऑल्सो इंक्रीज बाई 15%. ठीक है, तो 15% यहां भी इंक्रीज किया बॉयज का भी और गर्ल्स का भी 15%, दोनों का 15% हमने इंक्रीज किया. तो कितना चेंज हो गया, 8 का 15% मतलब 1.15, दिस इज 9.2. ठीक है, लेकिन एक्चुअल इंक्रीज इन एक्चुअल चेंज जो है सो हमारे पास 5 है, गर्ल्स 5 ज्यादा है, और हम जब 15% कर रहे हैं तो हमारे पास 9.2 डिफरेंस आ रहा है. इसका मतलब कि 5% जो बॉयज का इंक्रीज 5% ज्यादा है उसके कारण ये डिफरेंस आ रहा है 5 और 9.2 का. तो इस मींस कि 5%, क्योंकि 20% की जगह पे हमने 15% कंसिडर किया था यहां पे, तो 5% इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ वॉयस, 5% ऑफ नंबर ऑफ वॉयस इज इक्विवेलेंट टू 9.2 माइनस दिस 5, दिस इज इक्विवेलेंट टू 4.2. इसका मतलब कि 100% ऑफ वॉयस इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज 20 टाइम्स, सो टेक 20 टाइम्स ऑफ दिस, दिस इज 84. व्हाट वी गॉट हियर विद दिस इक्वेशन, वी कैन गेट इट डायरेक्टली, नंबर ऑफ बॉयज इज 84, देन नंबर ऑफ गर्ल्स इज 8 मोर 92, एंड टोटल इज 176. यू कैन फॉलो दिस मेथड.